किसने कहा कि हम आई मूवी में मल्टीपल लेयर्स ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीख लें। और अगर आप उन टिप्स और ट्रिक्स को नहीं सीखना चाहते तो आपको एक एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर खरीदना होगा अपने वीडियो एडिटिंग के लिए। आई मूवी एप्पल का एक फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये बात एप्पल यूजर्स को काफी अच्छे से पता होगी। इसे आईफोन, आईपैड या फिर मैकबुक पर काफी आसानी से यूज किया जा सकता है, बशर्ते कि आपका डिवाइस उसे सपोर्ट करता हो। आई मूवी यूज करना काफी आसान है और वीडियो भी काफी हद तक अच्छे से एडिट हो ही जाते हैं। लेकिन वीडियो एडिटिंग में चैलेंजेस तब आते हैं जब आपको ग्रीन स्क्रीन या फिर PIP एक साथ यूज करना हो, या फिर आप मल्टीपल लेयर्स ऐड करना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आई मूवी में मल्टीपल लेयर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर ग्रीन स्क्रीन और PIP को प्रोफेशनल की तरह कैसे यूज किया जा सकता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज हैज अ बिगिनिंग बट नो एंड। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। यहां कुछ चीजें मैंने ली हैं, जैसे एक्स्ट्रो या फिर आउट्रो, इंट्रो, मिड पार्ट। ये सारे वीडियोज मैंने ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया हुआ है। एक मैंने बैकग्राउंड लिया हुआ है जो कि JPEG फॉर्मेट में है, पिक्चर। उसके बाद ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये फाइनल वीडियो है मेरा। मैं आपको वीडियो एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया है, ये मैंने एक लेयर ऐड किया हुआ है इस पे, यानी कि दो लेयर्स हो गए मेरे, एक तो ग्रीन स्क्रीन का हो गया और दूसरा ये वाला लेयर हो गया मेरा। जब हम आगे की तरफ आते हैं तो ये भी मैंने ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया हुआ था, ये PIP मैंने यूज किया हुआ है, जबकि आई मूवी में ये पॉसिबल नहीं दिखता है हमें। जब हम आगे की तरफ आते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने एक लेयर यूज किया हुआ है, यानी कि मैंने मल्टीपल लेयर्स यूज किए हैं यहाँ, और मैंने इस पार्ट को बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली यूज किया है, जिसकी वजह से मेरा PIP भी यूज हो गया है और मेरा ग्रीन स्क्रीन भी यूज हुआ है। अब हम चलते हैं अपने आई मूवी एडिटर में। एडिटर में मैंने सारी चीजें ले ली हैं, जैसे ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरा इंट्रो है, ये मेरा आउट्रो या फिर एक्स्ट्रो है, और ये मेरा मिड पार्ट है। तो इसे मैं नीचे ले लूंगा। इसके बाद जो मेरा इंट्रो है उसे मैं लेके आऊंगा और यहाँ पर मैं ड्रॉप कर दूंगा। मेरा जो फोटोग्राफ है वो काफी छोटा है तो मैं उसे ड्रैग कर दूंगा। ये मैंने सेम साइज का कर लिया है। यहाँ हमें एक चैलेंज और आता है कि जब हम पिक्चर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये हमारा ऑटो जूम होता रहता है। हम यहाँ आएंगे और इसे हम फिट कर देंगे। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और हम सेलेक्ट कर लेंगे ग्रीन और ब्लू स्क्रीन। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा काफी प्रॉपरली नजर आ रहा है, यानी कि ग्रीन स्क्रीन हमने काफी एफिशिएंटली यूज कर लिया है। हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे और हम इसे क्रॉप टू फिल कर देंगे और फिट कर देंगे, क्योंकि फोटोग्राफ हमारा थोड़ा छोटा नजर आ रहा था। अब हम आते हैं मिड पार्ट में। ये मेरा मिड पार्ट है जो कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैं इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। इसके बाद ये जो मेरा पार्ट है ये भी मिड का पार्ट है, तो मैं इसे लाके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। अब जब मैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन करता हूँ तो ये देखिए, ये मेरा बैकग्राउंड प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा है, यानी कि हम इस चीज को इस तरीके से ड्रॉप नहीं कर सकते। हमें यहाँ यूज करना होगा PIP। तो PIP को यूज करने के लिए मैं इन चीजों को डिलीट कर दूंगा, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं आऊंगा यहाँ बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में आने के बाद मैं ग्रीन बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, ये यहाँ आ जाएगा। माई मीडिया में जाऊंगा और जो मेरा मिड पार्ट है उसे लाके मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। मैं इसे मिनिमाइज कर लूंगा और जो मेरा नीचे लेयर है उसे मैं इसके बराबर कर दूंगा। तो ये मेरा हो चुका है। इसके बाद मैं अपने मेन वीडियो पर क्लिक करूंगा, आऊंगा यहाँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा पिक्चर इन पिक्चर। इसे मैं लाऊंगा यहाँ जो मुझे PIP में रखना है। तो ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसका साइज को बढ़ा लूंगा, मींस रिसाइज कर लूंगा। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट आपकी है। मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ। ये करने के बाद हमें इस वीडियो को सेव करना है। मैं इसे सेव कर लूंगा, मैं इसे PIP का नाम दे देता हूँ। क्वालिटी हम थोड़ी डाउन रखते हैं ताकि वीडियो हमारा जल्दी से सेव हो जाए। ये हमारा वीडियो सेव हो गया। अब हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। आते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट में, यानी कि अपना जो हमारा इंट्रो है वहाँ हम आ जाएंगे। ये हमने अपना इंट्रो ले लिया, ग्रीन और ब्लू स्क्रीन, ये हमारा प्रॉपरली सेट हो गया है।
जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि ये हमारा जूम आउट होता रहता है, जूम इन होता रहता है, तो यहाँ आएंगे हम और यहाँ कैनबॉन्स को हम हटा देंगे, इधर हम फिट कर लेंगे या फिर क्रॉप टू फिल कर देंगे। तो मैं क्रॉप टू फिल कर दूंगा क्योंकि पिक्चर मेरा थोड़ा छोटा है। अब हम आएंगे अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर और हम अपने पीआईपी को ड्रैग करके लाएंगे यहाँ और ड्रॉप कर देंगे। यहाँ आएंगे हम ग्रीन और ब्लू स्क्रीन कर देंगे और ये देखिए ये काम हमारा काफी अच्छे से हो चुका है, यानी कि पीआईपी हमारा काफी अच्छे से इंसर्ट हो चुका है। आप अगर पीआईपी को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो एक काम और किया जा सकता है कि आप यहाँ जाएं, फिर से ग्रीन और ब्लू स्क्रीन सेलेक्ट करें, क्लीनअप में आए आप यहाँ और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लें। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर इसे ले लिया है, ओके करूंगा। ये आपका मिड स्क्रीन नजर आ रहा है जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे, हम जाएंगे यहाँ क्रॉप टू फिल के ऑप्शन में और इसे हम थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ ले लेते हैं। अब हम इसे ओके कर देंगे। ये देखिए ये पीआईपी भी हमारा थोड़ा सा छोटा हो चुका है। हम आते हैं आगे की तरफ और अपना हम एक्स्ट्रो पार्ट यहाँ सेट कर देते हैं। इसे हम लेंगे यहाँ, ये हमारा एक्स्ट्रो है या फिर आउट्रो है, यहाँ हम ड्रॉप करेंगे। इसे हम एक तरफ कर देते हैं, इसे भी हम ग्रीन ब्लू स्क्रीन सेलेक्ट कर लेंगे, फोटोग्राफ को हम फिट कर लेते हैं क्रॉप टू फिल में जाके, ओके। तो ये हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं यहाँ। अगर आप यहाँ म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो आप जाएं अपने ऑडियो में, यहाँ आप इसे कॉपी करें और पेस्ट कर दें। आप चाहें तो इसे ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। इसके साइज को मैं रिड्यूस करके 1 कर देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक मीन्स बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत धीमा होना चाहिए, बहुत स्लो होना चाहिए। 1 एक्स्ट्रा जो हमारा म्यूजिक है उसे हम स्प्लिट क्लिप करके हटा देते हैं। ये चीजें हमारी यहाँ हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ सब्सक्राइब के बटन को यूज करना। अगर मैं इसे यहाँ ड्रॉप करता हूँ तो ये देखिए मैं ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा टिप अलग हो जा रहा है और ये बीच में आ रहा है। कंट्रोल जेड देंगे हम। अब हम इसे सेव कर लेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल लेयर्स इस पे ऐड करने हैं। हम आएंगे यहाँ फाइल और इसे हम इस बार नाम दे देंगे रॉ फाइल। नेक्स्ट यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, सेव। हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, हम इसे क्लोज करेंगे। हम जाएंगे अपने मूवी में, जो न्यू मूवी हमने क्रिएट किया है या फिर जो न्यू वीडियो हम एडिट कर रहे हैं, उसके बाद इन सारी चीजों को हम डिलीट कर देंगे कमांड ए। हम अपने नए वीडियो को यहाँ ले लेंगे, ये जो नया वीडियो मैंने अभी क्रिएट किया वो हम ले लेंगे अपने टाइमलाइन पर। अब हम यहाँ पर लेयर्स ऐड करेंगे। इस सब्सक्राइब के बटन को मैं यहाँ ले लूँगा, जाऊँगा मैं ग्रीन स्क्रीन में, ग्रीन और ब्लू स्क्रीन कर दूंगा और ये देखिए ये हमारा काफ़ी अच्छे से एक लेयर ऐड हो चुका है। एंड में हम आते हैं, एंड में भी एक लेयर हम ऐड करेंगे। हम इसे ले लेते हैं, इसे हम थोड़ा फास्ट कर देंगे क्योंकि एंड के लिए काफ़ी बड़ा है ये। हम आगे की तरफ ले लेते हैं, इसे प्ले करके देखते हैं। ये देखिए ये लेयर भी हमारा काफ़ी अच्छे से ऐड हो चुका है। अगर आप मल्टीपल लेयर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बार बार सेव कर लें और उस पर लेयर्स ऐड करते जाएं। फ्री सॉफ्टवेयर है तो थोड़ी मेहनत तो बनती ही है। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन स्टडी। थैंक यू।